जहां पर प्रदेश में नगरीय निकाय पीई पॉलीइथीन पाइप से घर तक पहुंचाने वाला पानी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को, आपको बता दें, सप्लाई कर रहा है। साथ ही कोई खतरनाक हानिकारक बैक्टीरिया को पूर्ण विकसित कर रहा है जो एलर्जी पैदा करने का स्रोत बन जाता है। वहीं देश दुनिया में हुए शोध के आधार पर प्लास्टिक पाइप को खतरनाक बताया गया है। इसको रोकने के लिए प्रशासन को सूचना भी दी गई है। दिनों दिन कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण गुटखा पाखुड़ तमाम तमाम चीज के जो है उनको खाद्य पदार्थों को बताया जा रहा है, लेकिन एक सच है जिनको प्रशासन पानी के थ्रू पानी घर घर पहुंचा रही है उसमें कैंसर पहुंचाया जा रहा है, ऐसा रिसर्च से मामला सामने आया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रसायन शास्त्री संत प्रवेश सर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि जो प्लास्टिक का पाइप है वो कौन सा पाइप है जिससे कैंसर पैदा हो रहा है? पहली बात तो मैं है ना, लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको कि प्लास्टिक के पाइपलाइन जो बिछाए जा रहे हैं, पॉलीथिलीन पाइप जो होता है, जो मैंने खुद अपने आंख देखा कि हुड को बिलाइन और कई जगह बिछाया गया है, तो शोध के निष्कर्ष जो 2004 से 2007 के बीच में वाटर रिसर्च जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे इम्पोर्टेंट जर्नल है उसमें शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि करीब 25 से 30 प्रकार के कार्बनिक यौगिक इस प्लास्टिक पाइप से पानी में रिलीज होते हैं, जिसमें फैले एस्टर कंपाउंड्स हैं, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसमें कलर जो होता है उसमें पाइप में कलर, जैसे नीले कलर के कलर के पाइप होते हैं तो कलर डाई इस्तेमाल किया था, उसके से क्रोमियम कंपाउंड्स होते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो पानी में रिलीज हो जाते हैं। तो उससे सीधा उसको जो पानी को जो लोग उपयोग कर रहे हैं वो ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए वो सीधा एड्रेस में आ जाते हैं। तो एक तरफा ये हो गया, सीन हो गया। दूसरा सीन ये भी है कि प्लास्टिक की जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर की जो दीवार होती है पानी के संपर्क में आकर के वहां पे एक बायोफिल्म बन जाती है। ये बायोफिल्म कास्ट आयरन के पाइप में बनती है, ये बायोफिल्म जीआई पाइप में भी बनती है, लेकिन प्लास्टिक के पाइप की अंदरूनी दीवार पे जो बायोफिल्म बनती है उसकी आयु सीमा इतनी ज्यादा होती है कि बायोफिल्म के अंदर में स्वयं से बैक्टीरिया और एलर्जन की ग्रोथ होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लीकेशन चालू हो जाएगा जो पानी के साथ आया, जो एलर्जन उसका मल्टीप्लीकेशन चालू होगा और वो पानी में के थ्रू डायरेक्टली आपके पीने के थ्रू आपके बॉडी में, इंसानों के बॉडी में पहुंचेगा। तो अभी आपने सुना प्रोफेसर साहब को, जिनका साफ कहना है कि जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण है और इनके साथ और कई अन्य बीमारी पैदा होती है। इस पे कार्रवाई कब तक होती है देखने वाली बात है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या, राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। पुलिस ने